सर्दियां आने ही वाली है और गर्मियों में हमें याद आते हैं जूस। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो गर्मियों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो आज हम बनाएंगे संतरे का जूस। इस संतरे के जूस को बनाने में हमें बहुत ही कम मेहनत लगती है और ये बिना किसी मशीन के और बिना किसी इलेक्ट्रिक जूसर के हम बनाएंगे और इस जूस को बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। संतरे का जूस बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 5 संतरे। तो संतरों को अब हमें कट करना है। तो यहाँ मैंने एक संतरा ले लिया है और अब मैं इसे बीच से कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें संतरों को बीच से कट करना है। संतरों का सीज़न भी चल रहा है, गर्मियाँ भी आने वाली है और इस जूस को बनाना भी बहुत आसान है। इसी तरीके से हमने सारे संतरों को कट कर लिया है बीच से। अब हम संतरे का जूस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया एक विस्कर और संतरे में इस तरीके से हम विस्कर को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो संतरे का जितना भी जूस है वो इस बाउल में निकलने लगेगा। तो इस तरीके से हम विस्कर को गोल गोल घुमाते जाएंगे और संतरे का जो जूस है वो निकलते ही जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना आसान है संतरे का जूस निकालना। बस विस्कर से हमें इस तरीके से घुमाते जाना है और बढ़िया सा फ्रेश जूस बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम बाकी जो संतरे के जूस हैं उसे भी इस तरीके से ही विस्कर की मदद से निकालेंगे और फ्रेश जूस बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम मिक्सी या जूसर में संतरे का जूस बनाते हैं तो उसके साथ इसके बीज भी पिसा जाते हैं जिससे जूस में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बीज हैं वो भी अलग हो गए हैं जिससे ये कड़वापन भी नहीं रहेगा जूस में और बहुत ही अच्छे से स्वाद आएगा। इसी तरीके से सभी संतरों का हम जूस निकाल लेते हैं। सारे संतरों का हमने जूस निकाल लिया है। अब हम इस जूस को छान लेंगे। तो यहाँ मैंने एक खाली बाउल ले लिया है और इसके ऊपर रख दी है मैंने एक छन्नी। अब हम सारे जूस को अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस स्पून से चलाते हुए इसे हम छान लेंगे और दबाएंगे थोड़ा सा जिससे इसमें जो भी जूस होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो दबाते हुए इसे अच्छे से छान लेंगे हम। सारे जूस को हमने यहाँ पर अच्छे से छान लिया है। जूस बन के बिल्कुल रेडी है और अब बस हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक ग्लास और इस ग्लास में इस जूस को मैंने पूरा डाल दिया है। इस जूस में हमने कोई भी चीनी नहीं मिलाई है। कभी आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो आप इसमें अलग से ऊपर से चीनी मिक्स कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, ऑरेंज का बिल्कुल फ्रेश जूस बन के तैयार है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो इस गर्मियों के सीज़न में इस जूस को आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।